हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिप्टो करेंसीज के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है कि ये 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2009 में सबसे पहले इसके बारे में लोगों को पता चला था। ऐसा माना जाता है कि सातोशी नाकामोटो नाम के कोई जापान के व्यक्ति थे या कोई एक ऐसी टीम थी जिसने जो है क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया था, क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले बनाया था, ऐसा माना जाता है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि सातोशी नाकामोटो कौन थे, टीम थी या कोई क्या था, मुझे इसके बारे में मैं इस बात को बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता हूँ। ठीक है, बस इतना बता रहा हूँ कि 2009 में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक प्राइवेट करेंसी है। इसे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, ना ही इसे रेगुलेट किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब कि किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो इसमें कोई भी उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो इसे ना मॉनिटर करते हैं, ना रेगुलेट करते हैं, उसकी किसी भी तरीके की इसमें भूमिका नहीं है, ना ही किसी बैंक का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं, केवल इसमें एक कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काम है, वही दो लोगों के बीच रहती है, बायर सेलर और इन्वेस्टर के बीच केवल एक टेक्नोलॉजी रहती है। इसमें किसी भी तरीके की गवर्नमेंट या बैंक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पब्लिक कंट्रोल पर बेस्ड है। इसमें जो भी होल्डर्स हैं, इसके जो भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके हाथ में इसका पूरा कंट्रोल रहता है, वही इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिजिटल वर्चुअल करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी, इसे हम वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं। इसको आप डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं या फिर आप इसके लिए कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट जो है खरीद सकते हैं। जैसे कि हम अपने फोटोज और वीडियो जो होते हैं वो पेन ड्राइव में रखते हैं, इसीलिए ठीक उसी तरह इसके लिए स्पेशल टाइप का हार्डवेयर वॉलेट आता है, उसमें आप इसको रख सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये पेमेंट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में तो अभी खैर ऐसा नहीं, इंडिया में आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में आप अभी इस को किसी प्रोडक्ट को खरीदने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विदेशों में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आप इसके जरिए, इस क्रिप्टो करेंसीज के जरिए प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब खरीदारी में, बेचने में, प्रोडक्ट को खरीदने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे आगे देखते जाइए, धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इस पर रूल्स ला रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारी 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरे दुनिया में आजकल अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। जैसे कि पहली जो क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारे सामने आई थी, वो कौन सी थी, बिटकॉइन थी। ये काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी महंगी भी है। फिर इथेरियम है, टीथर है, बाइनेंस है, USD कॉइन है, XRP है, डॉज कॉइन है, लिट कॉइन है, ऐसी बहुत सारी 5000 से ज्यादा, हजारों की तादाद में क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरी इसकी नेक्स्ट इसकी खास बात यह है कि लिमिटेड कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स आर फिक्स। जब भी कोई करेंसी नई बनती है तो उसके जो नंबर्स हैं वो पहले से ही फिक्स कर लिए जाते हैं, तो इसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि बिटकॉइन है तो 21 मिलियन जो है बिटकॉइंस हैं, या जो भी करेंसीज हैं वो एकदम फिक्स हैं, उनके उनके नंबर को पहले से ही फिक्स कर लिया गया है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि जो पेपर नोट होता है, जो कैश होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है जब चाहते हैं उसको छाप लेती है, प्रिंट कर लेती है, तो इससे इन्फ्लेशन वगैरह आ जाती है, इससे बहुत सारी इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं कंट्री में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज एक बार बन गई हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं उनके नंबर्स फिक्स रहते हैं, उन एक ही बार पहले से ही ये फिक्स कर लिया जाता है कि इसको कितना क्वाइन बनाया जाएगा, इसके नंबर को पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन वाली कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है, प्राइसेस डिपेंड्स ऑन मार्केट। इसके प्राइसेस
मार्केट पर डिपेंड करते हैं। मोर बायर्स, अगर ज्यादा खरीदार होंगे तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर कम खरीदार होंगे तो इसके प्राइसेस घट जाएंगे। ज्यादा खरीदने वाले होते हैं तो इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कम खरीदने वाले होते हैं तो इसके प्राइसेस घट जाते हैं। और इसके प्राइसेस कुछ जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो बिलियनियर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो उनके स्टेटमेंट पर भी और उनके इन्वेस्ट पर भी इसके प्राइसेस डिपेंड करते हैं। जैसे कि अंबानी है, अडानी है, या इलोन मस्क है, या बिल गेट्स हैं, या मार्क जुकरबर्ग है, अगर ऐसे जो व्यक्ति हैं, अगर ये लोग कोई भी एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं, कोई अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, तब भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो हाई हो सकते हैं, और अगर वो कोई निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो उनके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि अडानी है, अंबानी है, या मार्क जुकरबर्ग है, इस तरीके के जो बिलियनियर्स हैं, जो काफी अरबपति व्यक्ति हैं, वो अगर ये कह देते हैं कि मैं इसमें जो है इतने इतने डॉलर्स का, इतने बिलियन या मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्ट करूंगा, इतने बिटकॉइंस खरीद लूंगा या इतने डॉज कॉइंस खरीद लूंगा, तो क्या होता है कि इनके कहने मात्र से ही प्राइसेस कभी कभी बढ़ जाते हैं, और ऐसा पहले कभी हो भी चुका है। और अगर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब भी ये अपने स्टेटमेंट से पीछे हट जाते हैं तो प्राइसेस लो हो जाते हैं, या कभी कभी ये अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। तो इनके स्टेटमेंट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स भी इसमें काफी मायने रखते हैं, उनके एकमात्र स्टेटमेंट से इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और प्राइसेस डाउन भी हो जाते हैं, तो ऐसे लोग काफी इसमें प्रभावी हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है इसके प्राइसेस बढ़ने और घटने का। और जो मोटी मोटी सी बात यह है कि अगर खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, खरीदने वाले कम होंगे तो क्या होता है, प्राइसेस घट जाएंगे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, आप जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इजी ट्रांजेक्शन, इसमें इजी ट्रांसफर, आप इसे आसानी से एनीवेयर कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आसानी से आप इसमें फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, फॉरेन में कर सकते हैं, अपनी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। नो परमिशन रिक्वायर्ड, इसमें अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी ट्रांसफर करना है पैसा, तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, तो ये एकदम प्राइवेट करेंसी है, तो इसमें किसी भी तरह के की परमिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें पीयर टू पीयर्स का सिस्टम चलता है, जैसे कि नो मीडिएटर, इसमें बीच में कोई भी मध्यस्थ करने वाला नहीं था, कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं होता है, सीधा पर्सन टू पर्सन, इसमें क्या होता है, सीधा पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है, ट्रांजेक्शन होता है, नो थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें बीच में नहीं होता है। अगर ये सेलर है, ये बायर है, तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होता है, केवल एक टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पर जो होता है ट्रांजेक्शन चार्जेज भी नहीं होते हैं। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर लो चार्जेज लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नो चार्जेस रहेंगे। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे हैं, तो कंपनी आप पर कुछ चार्जेस कमीशन लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, जिससे कि इसमें क्या है कि सिक्योर्ड लेजर ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें क्या होता है कि लेजर अकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए लेजर इसमें एक होता है, जो कि पूरी तरह से सिक्योर होता है, और आपकी जो बाइंग, सेलिंग और ट्रांसफरिंग की जो भी डिटेल्स होती है उसको पूरी तरह से सिक्योर रखता है। इसे सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, इसे क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सिक्योर किया जाता है। इट सिक्योर्स डेटा इनक्रिप्शन टेक्निक्स, जो इसमें क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम लगाया गया है, क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो इनक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, चाहे आपकी
चाहे आपकी एड्रेस हो, आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल हो, या आपके ट्रांजैक्शंस की डिटेल हो, बाइंग सेलिंग की किसी भी तरीके की डिटेल जो होती है वो इसमें पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होती है, कोडिंग की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो डेटा है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होने वाला, एकदम सिक्योर डेटा होता है। डेटा सिक्योर के मामले में क्रिप्टोग्राफी जो होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, सबसे हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉट वॉलेट। जैसे कि इसको जो है आप हॉट वॉलेट में रखेंगे। हॉट वॉलेट क्या होती है? इंटरनेट से कनेक्ट होती है। जैसे कि आपको लेन देन करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी को हॉट वॉलेट में रखिए, और जब आप लेन देन से आप हट जाए, जब आपका लेन देन कंप्लीट हो जाए, तो आप उसे जो है कोल्ड वॉलेट में रख सकते हैं। कोल्ड वॉलेट जो होती है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, तो वहां पर ज्यादा सिक्योर रहेगा। इसे हम नॉन कस्टोडियल कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं। मतलब कि ये एक हार्डवेयर वॉलेट होती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने फोटोज वीडियोज सिक्योर करने के लिए पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं और उसमें जो है डाटा को सेव करके अलग रख देते हैं कहीं, तो सेम उसी तरह यहाँ पर जो है कस्टोडियल कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट एक हार्डवेयर वॉलेट होती है। काफी महंगी हो सकती है, लेकिन इसमें आप अपने जो भी ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन होने हैं, होने के बाद आप हार्डवेयर वॉलेट में अपने क्रिप्टो करेंसीज को ज्यादा सेफ्टी से रख सकते हैं स्टोर करके। तो